वर्षा में किसानों की खरीफ की फसलों को हुआ नुकसान, मुआवजे की मांग को लेकर अन्नदाता उतरी सड़कों पर। वर्षा में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए बताया कि लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसान अब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। किसानों की माने तो उनकी फसलें कभी सूखे के चलते तो कभी अतिवृष्टि से, तुसार से तो कभी टिड्डियों के आतंक से नष्ट होती आ रही हैं। बर्बाद हो रही फसलों के चलते हमारी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। अब तो हालात यह है कि फसलों के लिए लागत जुटाने को हमें अपनी ही जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो हमारे पास पलायन ही एकमात्र उपाय रहेगा। किसान शासन से मुआवजा मिलने की राह देख रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला तो अन्नदाता सड़कों पर आ जाएगा। किसानों का कहना है कि खरीफ की फसल से हमें अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन कम बारिश के चलते फसलें पूर्णतः खराब हो गईं। किसानों ने प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भरत पांडे को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के किसान बक्सवा, जहां 39 ग्राम पंचायत है, 125-26 गाँव की समथिंग, जो अति माने कम वर्षा हुई है जिसके कारण फसलें नष्ट हो चुकी है 80%, उसी के मुआवजा के लिए आज क्षेत्र के किसानों के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है कि सर्वे कराकर जल्द 15 दिवस के अंदर किसानों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो क्षेत्र के किसानों के द्वारा जो आदेश होगा इसके बाद ज्ञापन या धरना प्रदर्शन फिर किया जाएगा। सरकार तो खुद कह रही है हम किसान जैसी फसल को बदलने की जरूरत। आप ये समझिए, आज से 10 दिन पहले पानी नहीं गया निश्चित तौर पर, जब किसानों ने इस कदम को उठाया है। आप क्षेत्र के किसानों के खेतों में जाकर देखिए, आप निश्चित तौर पर सोयाबीन की फसल तो निश्चित से नाबूद हो चुकी है, पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम किसानों के बेटा हैं और जो हमारे भनेज हैं या हमारी भांजियां हैं, आज इस दुर्दशा को देखिए कि हमारे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान है। कर्ज से लेकर उन्होंने बोनी की थी, लेकिन आज वो मायूस है और दुख बड़े हैं, जिससे प्रदेश में आत्महत्याएं बढ़ती हैं। कृषकों की कम वर्षा से फसलें खराब होने संबंधी ज्ञापन है, उनके द्वारा बोला गया है ज्ञापन में कि जो फसलें बोई गई थी वो कम वर्षा से प्रभावित हुई हैं, मुआवजा राशि की मांग की गई है, सर्वे कराने की मांग की गई है। ज्ञापन मूलतः शासन को भेजा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी।